अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू के कबाब, आलू के कोफ्ते, रमज़ान स्पेशल के लिए, जिसके लिए ये चार अदद मैंने आलू ले लिए। अब इनको हम कर लेंगे कैश, इनको मैश कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से, इस तरह से जल्दी हो जाते हैं। इनको अच्छी तरह से मैश करके फिर हम अच्छी तरह से करेंगे मैश आलू के कोफ्ते, आलू के कबाब, रमज़ान रेसिपी। ऐसे कर देंगे हम। ये देखें चारों आलू हमारे हो गए हैं, इसके ढेर सारे हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आलूओं को करने से आलूओं में कोई ये गुठली वगैरह नहीं रहती, सारे अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। डालूंगी इसमें धनिया, सब्ज धनिया ये काट लेंगे हम। बहुत ही इजी तरीके से हम बना रहे हैं, ये बहुत ही कम चीजों में। सब्ज मिर्च, बारीक बारीक प्याज काट के, बारीक बारीक काट लेंगे प्याज को हम। डालूंगी इसमें नमक का, और सुरख मिर्च, हाफ स्पून डालूंगी इसमें मैं जीरे का, जीरा पिसा हुआ जीरा, हाफ स्पून डालूंगी इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, हाफ स्पून डालूंगी इसमें मैं साबुत सूखा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च एक छोटा स्पून, थोड़ी सी कुटी हुई, इससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। दो टेबल स्पून डालूंगी इसमें मैं बेसन, स्पून डालूंगी इसमें मैं बेसन के, बस सिर्फ दो। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसकी बना लेते हैं रोटी इस तरह से। कदर अंडा इसके अंदर जाएगा इस तरह से। अब हम इसकी करते हैं इस तरह से, निकाल लूंगी मैं प्लेट में। अब निकाल लेंगे इनको जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे आलू के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो बहुत ही लजीज, सॉफ्ट, नरम, अफ्तारी के लिए बनाए बहुत लजीज, मज़ेदार, टेस्टी बने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप लोगों को अब दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।